नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कंज्यूमर टेक टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम शाओमी के लेटेस्ट स्मार्टफोन रेडमी 3S की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 GB वाला रेडमी 3S आ चुका है, और हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ये फ़ोन हमें 5 इंच की HD IPS स्क्रीन के साथ मिलता है। अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो इस फ़ोन में 13 MP का रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फ़ोन में हमें 4100 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि एक दिन निकालने के लिए काफ़ी सफिशियंट है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हमें इस फ़ोन के बॉक्स में क्या क्या कंटेंट मिलता है। दोस्तों, ये हमारे चैनल की पहली अनबॉक्सिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये अनबॉक्सिंग पसंद आएगी और आप हमें सपोर्ट करेंगे। जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें एक रेडमी 3S सामने दिखता है, गोल्डन कलर का। आइए इसको हम साइड में रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें मिलती है एक सिम इंजेक्टर टूल। उसके साथ साथ हमें मिलती है एक डाटा केबल, जो कि USB to Micro USB डाटा केबल है। और इसी के साथ साथ हमें एक वॉल अडेप्टर भी मिलता है, जो कि एक नॉर्मल वॉल अडेप्टर है, जिसकी और रेटिंग है जिसकी 2 वोल्ट 2 एम्पेयर की। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बॉक्स में शियोमी ने किसी भी ईयरफोन को बंडल नहीं किया है, और ये करते हुए अपना शियोमी अपना ट्रेंड को फॉलो कर रही है। और हमें अगर इसके ईयरफोन को चाहिए तो हमें एक्सटर्नली इसकी वेबसाइट से इनको परचेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए अब हम फ़ोन को स्विच ऑन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फ़ोन MIUI 7 पर ऑपरेट हो रहा है। इसे में हम लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारी कंट्री इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर फिज़िकल ओवरव्यू की बात करें तो फ्रंट में हमें 5 MP का कैमरा दिया गया है, और रियर में हमें 13 MP का एक शूटर दिया गया है सिंगल LED फ्लैश के साथ। हम देख सकते हैं इसमें बैक में हमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, पीछे हमें स्टार वैल्यू दी गई है बॉडी की, हेड की। और अगर लेफ्ट कॉर्नर की बात करें तो इसमें हमें एक सिम इजेक्टर टूल दिया गया है, जिसके साथ हम हाइब्रिड सिम को ऑपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब हम इसमें 2 SIM कार्ड या फिर 1 SIM और 1 मेमोरी कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। और राइट साइड में हम देखें तो इसमें हमें वॉल्यूम रोकर और उसके नीचे एक लॉक बटन दिया गया है। बॉटम में हमें एक MicroUSB पोर्ट दिया गया है। अगर फोन हम अबाउट में देखते हैं तो ये फ़ोन मार्शमेलो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जो कि एक लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक बहुत अच्छी बात है। अगर इंटरनल मेमोरी की बात करें तो इसमें 32 GB में से हमें 24.44 GB मेमोरी फ्री मिलती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये फ़ोन मार्शमेलो पे ऑपरेट करता है, और एक शाओमी लेवल की कंपनी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें लेटेस्ट मार्शमेलो ऑपरेटर दे रही है, जो कि एक बहुत ही शानदार बात है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। Redmi 3S की बाकी वीडियोस के लिए आप हम लोग हमारे साथ बने रहें, वो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगी। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हम तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम।